can provide some element or some numerical data with percentile D and percentile F. For example, in this case, we are providing percentile 3D. So meaning of this percentile 3D is that you are going to print the integer data and you are creating a width of 3. Okay. You are creating a width of 3 for printing. That's what you are trying to do. Okay, let's say you have to print a data 1, 2. So write justified format mein ye printing ho jayegi, matlab ki ek space aur 1, 2 aise printing ho jayegi. Okay, one space and then followed by one and followed by two. Lekin agar aapka data is width se bada hai, to us case mein pura data print hota hai. For example, in this case, A is given as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aur aapne percentile 3D karke A ko print karaya. So that does mean that bhale hi aapne 3 ka width create kiya hai, lekin jo aapka data hai wo 1, 2, 3, 4, 5, 6 se bada hai integer ki bada hai. तीन बिट से तो ये 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होगा. वी आर इग्नोरिंग दैट कि ये अपनी रेंज को क्रॉस कर रहा है. मान लीजिए कि इंटीजर की रेंज में है ये, तो प्रिंटिंग पूरी 1 2 3 4 5 6 की केस में होगी. नाउ फ्लोट के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखिए कि फ्लोट में हम जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हम ले दिस वन, इसमें अगर हमने ये कहा है कि परसेंटाइल 6.3f, इसका मतलब क्या है कि 6 का विड्थ क्रिएट होगा और 6 के विड्थ में ही पूरा पूरा नंबर प्रिंट होगा. फॉर एग्जांपल अगर हमें 45.6 को प्रिंट करना है तो 6 का हमने विड्थ क्रिएट किया जिसमें 3 पॉइंट डेसिमल के होंगे, मतलब कि डेसिमल के बाद प्रेसिजन जो है वो 3 बिट लॉन्ग है, या जो डेसिमल के बाद का जो प्रेसिजन है वो 3 डिजिट का है. इस रीजन से डेसिमल बीच में आया, उसके बाद के 3 डिजिट आएंगे 600. चार स्पेसेस आपने यूटिलाइज कर लिए 6 में से, तो जो दो बचे हैं वो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, क्योंकि आप 45.6 प्रिंट करा देते तो यहाँ पे 45 आएगा. अगर ये 9.3 होता तो उस केस में आपको 9 विड्थ का एक ब्लॉक क्रिएट करते और इस नंबर के लिए 3 स्पेसेस पहले प्रिंट होते, then 45, then dot and then 600. तो ये भी राइट फॉर्मेट में है या फिर राइट जस्टिफाइड फॉर्मेट. तो याद रखिए कि जो 9 है फ्लोटिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये पूरे प्रिंटिंग की लेंथ है या विड्थ है. ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट है डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि कितना प्रेसिजन है. ओके, अगर मान लीजिए कि हमारा कोई नंबर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट का है तो उसके बाद जीरोस प्रिंट होंगे, मतलब कि ट्रेलिंग जीरोस प्रिंट होंगे. ओके, सिमिलरली अगर हमने यहां लिखा है 06.3, तो अगर स्पेसेस बच जाएं पहले तो वहां पे पैडिंग हो जाएगी जीरो से. अगर ये 06.3 की जगह 09.3 होता तो उस केस में 9 स्पेसेस क्रिएट होते, 45.600 प्रिंट होता और 45 के पहले 3 जीरोस प्रिंट किए जाते, जिसका मतलब है कि 45 के पहले 3 जीरोस की पैडिंग की जाती. सो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रिंटिंग या विड्थ. सो दिस इज वी हैव दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड. और भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे भी. नाउ अब हम सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन पे, और आज का जो क्वेश्चन हमारा है ये पहला. आई होप ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा. यहाँ पे हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में एक साइज ऑफ का यूज किया है. तो पहली बात तो साइज ऑफ जान लीजिए आप क्या है, कि साइज ऑफ एक ऑपरेटर है. ठीक है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरह से साइज ऑफ को एक ऑपरेटर माना गया है. और साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर प्रोवाइडेड जो भी डेटा एलिमेंट है वो मेमोरी में कितने बाइट्स लेगा स्टोरेज के लिए वो बता देता है साइज ऑफ. तो क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन.
Yes, you may unmute and speak. What will be the answer to this question? Hope I am audible. Yes, sir. So we have written Sir. slat inside the size of, yes. Someone was telling me the answer. Sir, two. Sir, two. Gaurav. Sir, two. Okay, somebody is telling two and somebody is telling one. Okay, any other answer? And why two and why one? What is the justification for two and what is the justification for one? Sir, I'm assuming that slash n gives space and this space might take 2 bytes. Slash n. फिर से बताओ. सर जो स्लैश इन स्पेस क्रिएट करता है वो 2 bytes ले रहा होगा ये assumption है. मतलब 1 byte. समझ गया समझ गया समझ गया. और one. सर backslash n जो है वो integer type का है इसमें तो इसलिए 2 bytes. 2 bytes. और किसी ने one भी बताया है? What is the reason for one? No, no reason. Okay. See, slash n एक character है. ठीक है, जब भी आप printing भी करते हैं तो आपको शायद याद होगा कि slash n एक character होता है जो कि new line character हम जिसको कहते हैं. और character C में 1 byte लेता है. तो इसलिए size of slash n will give you one. ठीक है ये बात. तो साइज ऑफ विल गिव यू वन. साइज ऑफ स्लैश एन विल गिव यू वन. हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड विद दिस? अभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो कैरेक्टर हमारा होता है ना उसकी जो रेंज होती है वो -128 से लेके +127 होती है. क्यों होती है? क्योंकि 1 byte लेता है वो. 1 byte मतलब 8 bit लेता है. 8 में से 1 bit हमने साइन मान लिया. साइन मान लिया तो 7 bits बची. तो 2^7 -1 अपर लिमिट ये हो गई. लोअर लिमिट क्या हुई? -2^7. तो -128 से +127 ये हमारी रेंज होती है. सो आई थिंक बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं. केवल 4 hands ही रेज हुए हैं. मैं फिर से बताता हूँ ये स्लैश एन क्या है. एक कैरेक्टर है. ठीक है, स्लैश एन इज अ कैरेक्टर. तो अगर हम कैरेक्टर का साइज फाइंड करेंगे मेमोरी में तो वो 1 आएगा. ओके, क्योंकि कैरेक्टर एलिमेंट जो है वो सिंगल बाइट लेते हैं मेमोरी में स्टोरेज के लिए. तो साइज ऑफ विल गिव यू द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द गिवन एलिमेंट टेक्स इन द मेमोरी फॉर स्टोरेज. सो दैट्स व्हाई द स्लैश एन की जो साइज हमारी 1 हो गई. स्टिल ओनली 23 hands. इट मींस यू आर नॉट कन्विंस्ड. एनीवे आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. होपफुली यू विल बी एबल टू. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. प्रिंट एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल सी सेमीकॉलन क्लोज. गार्बेज. यस, इट विल प्रिंट अ गार्बेज. अभी इसको मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं. अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दिया परसेंटाइल डी और परसेंटाइल सी, बट आपने उसके अंदर एलिमेंट माने उसके लिए वेरिएबल्स या उसके लिए डाटा आइटम प्रोवाइड नहीं किया, बेटर क्या होता कि डबल कोट्स के बाद हम सेमीकॉलन लगा के कोई एक डाटा एलिमेंट लिखते. जैसे डी के लिए परसेंटाइल डी के लिए लेट से हमने ए वेरिएबल ले लिया होता, सी के लिए लेट से हमने एक्स वेरिएबल ले लिया होता. ठीक है, तो बेटर ये होता कि हमने इस तरह से वेरिएबल लगा देते और वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते. वेरिएबल को हम पहले डिक्लेयर कर देते कि आई एन टी ए एंड कैरेक्टर सी एक्स. लेकिन हमने ऐसा यहां पर नहीं किया है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने वेरिएबल प्रोवाइड नहीं भी किया है तो भी ये गार्बेज वैल्यू देगा. ठीक है, और अगर ऐसा डिक्लेरेशन होता इंटीजर ए कैरेक्टर एक्स एंड देन ए कॉमा एक्स, तब भी ये गार्बेज देता क्योंकि ए एक्स में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है. तो दोनों केस में ये गार्बेज ही आता. सो रिमेंबर वन थिंग कि आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड कर दिया लेकिन वेरिएबल प्रोवाइड नहीं किया, डाटा एलिमेंट प्रोवाइड नहीं किया प्रिंटिंग के लिए, तो भी ये गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट करेगा. ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. So this will print the garbage. Now moving to this. This again is a size of.
टेक योर टाइम टू फाइंड आउट द आंसर. यहाँ पे कुछ चीजें स्पेसिफाइड है, मैं आपको बता दूं. जैसे कि यहाँ पे पहले वाले प्रिंटएफ में लास्ट के टू जो साइज ऑफ में है वैल्यूज है उसमें यू और एल गिवन है. यू का मतलब होता है अनसाइंड, जहां पे भी यू गिवन हो उसका मतलब होता है अनसाइंड, और एल का मतलब होता है लॉन्ग इंटीजर. तो ये जो यू और एल है वो अनसाइंड और लॉन्ग इंटीजर लिटरल का माने लिटरल होते हैं, ये इसका मीनिंग ये है. इसी तरह से यहाँ पे नीचे वाले प्रिंट एफ में एफ और कैपिटल एफ है, दोनों का मतलब सेम है फ्लोट. इस लिटरल का मतलब है फ्लोट. तो जो डाटा आइटम आपने प्रोवाइड किया है वो फ्लोट है. फाइन, बताइए अब जो कल का आपका एक्सपीरियंस था या कल की आपकी जो लर्निंग थी और आज की लर्निंग, दोनों को मिक्स करके इसका आंसर दीजिए. सी. ओके. एनी अदर आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग सी? आई एम लोवरिंग ऑल हैंड्स. जिसको भी जिसका भी आंसर सी आ जाए वो मुझे बताए कि सी आया है और सी क्यों आया है ये भी बताएं. सर आई थिंक इट्स बी. ओके, सी और बी में कंफ्यूजन हो रहा है ना. ओके, शैल आई वेट फॉर अदर आंसर्स और मैं बताऊं आपको कि क्यों है ये? आप ही में से कोई एक्सप्लेन करो इसको. देयर आर मेनी ऑफ यू हु हैवंट रेज्ड द हैंड्स. आंचल, आशुतोष, दिलीप एंड आयुष, केवल इन चार लोगों ने हैंड रेज किया है. एनीवे, टेक योर टाइम, डोंट बी इन हरी, टेक योर टाइम. बताइए. प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. सीईओ. ओके सर, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ओके ओके, चलिए हम लोग करते हैं. देखिए, एक तो पहला इंट्यूशन आंसर्स के हिसाब से अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो आप देखिए कि जितने भी आंसर्स ए बी और डी हैं उसमें सभी चीजें सीक्वेंस में प्रिंट है, एक ही लाइन में प्रिंट है. लेकिन पहले वाले प्रिंट एफ में एक स्लैशन लगा हुआ है और पहले वाले प्रिंट एफ में जो स्लैशन लगा हुआ है उस रीजन से आप कह सकते हैं कि पहले वाले प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग जो प्रिंटिंग होगी उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वाला प्रिंट एफ है उसके लिए जो प्रिंटिंग होगी वो न्यू लाइन में हो. ठीक है, तो इस स्लैशन के कारण. चलिए एनीवे, इसको हम भूल जाते हैं, बाकी चीजों को देखते हैं. साइज ऑफ 032. 032 क्या कैसा नंबर हुआ? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. 032 कैसा नंबर है? ऑक्टल. 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 ऑक्टल नंबर है. लेकिन हम यूजुअली क्या करते हैं कि ऑक्टल को भी डेसिमली मानते हैं. जब इसका हम प्रिंटिंग करेंगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट ही प्रिंट होगा. तो डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब कि इंटीजर. इंटीजर है तो दो बाइट लेगा ये. साइज ऑफ में अगर हम 032 लिखेंगे तो दो बाइट. सिमिलरली नेक्स्ट वाला 0x32 ये क्या है? हेक्साडेसिमल. दिस इज हेक्साडेसिमल. जब आप इसकी भी प्रिंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग इसकी डेसिमल में होगी. डेसिमल मतलब इंटीजर, क्योंकि इंटीजर इसलिए ये भी दो बाइट. ओके नेक्स्ट 32. साइज ऑफ 32 दिख रहा है ना, 32 क्या है? 32 एक इंटीजर है. इंटीजर है तो डेसिमल होगा, डेसिमल है तो इंटीजर होगा. इंटीजर दो बाइट लेता है मेमोरी में. फाइन. अच्छा नेक्स्ट साइज ऑफ 32U. 32U मतलब क्या है कि 32 अनसाइंड. तो 32 और 32U में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक 15 बिट में रिप्रेजेंट होगा, एक 16 बिट में रिप्रेजेंट होगा, है ना. जो साइंड वाला है उसमें एक बिट साइन के लिए यूज हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी. तो ये भी दो बाइट ही लेगा. जो यू वाला है वो भी दो बाइट ही लेगा. अच्छा इसके बाद 32L है. 32L का मतलब 32 लॉन्ग इंटीजर. 32 लॉन्ग इंटीजर का क्या मतलब होगा?
32 लॉन्ग इंटीजर का मतलब कि वो इंटीजर नहीं है, लॉन्ग है. मतलब लॉन्ग मतलब क्या हुआ कि उसकी साइज डबल हो गई. तो अगर 2 बाइट्स पहले इंटीजर ले रहा था तो लॉन्ग 4 बाइट लेता है. तो यहाँ पे 4 आ गया. सो 2 2 2 2 4, ठीक है, 2 2 2 2 4. ये देखिए किसी भी आंसर में नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है. तो सॉरी डी में भी नहीं है. तो सी ऑप्शन हो सकता है. लेकिन चलिए हम सी ऑप्शन में जो नीचे वाली लाइन है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बाय डिफॉल्ट क्या माना जाए. तो यहाँ पे साइज ऑफ 32.4 लिखा है सबसे पहले, ठीक है, साइज ऑफ 32.4 है नेक्स्ट प्रिंटफ में. तो ये जो 32.4 है ये आपको लग रहा है फ्लोट, लेकिन बाय डिफॉल्ट डबल होता है. याद रखिए कॉन्सेप्ट में कि बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर डबल होता है अगर आपने उसको फ्लोटिंग पॉइंट में लिखा. तो 32.4 ये जो नंबर है जो कि एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट डबल होता है, ठीक है. अगर ये फ्लोट होता तो 4 बाइट लेता है स्टोरेज के लिए. चूंकि ये डबल है इसलिए 8 बाइट लेगा स्टोरेज के लिए, 8 बाइट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट टू नंबर्स जो है 32.4F और 32.4 कैपिटल F, दोनों फ्लोट हैं और चूंकि ये फ्लोट हैं इसलिए ये स्टोरेज के लिए 4 बाइट्स लेंगे ईच. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. साइड का बता दीजिए एक बार. हाँ जी प्लीज, एक बार फिर से कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? सर अनिमेश. हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे सर? अनसाइंड का एक बार टू कैसे होगा ये बताओ. मतलब अनसाइंड का क्या मतलब है? साइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर. साइंड इंटीजर में क्या होगा? एक बिट माने 16 बिट में नंबर रिप्रेजेंट होगा, दो बाइट में से एक बिट साइन के लिए होगी. पॉजिटिव है तो साइन बिट 1, नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है तो साइन बिट 0, नेगेटिव तो साइन बिट 1. बाकी के 15 बिट नंबर के लिए दो बाइट में रिप्रेजेंट हो रहा है. अनसाइंड में क्या होगा? साइन कुछ नहीं होगा. तो 16 की 16 बिट हमारी या दो बाइट जो पूरी पूरी यूटिलाइज जाएगी नंबर को स्टोर करने के लिए. That's it. It is just about utilization of one bit for sign in the signed integer. और वो sign bit भी जो है data के लिए use जाती है unsigned. हाँ, कोई और भी question पूछ रहा था? Sir, same question था, गौरव. ठीक. अब समझ में आ गया, ये clear है? Yes, sir, आ गया. ठीक है. Next question. इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं. आपने स्लैशन के बारे में पढ़ा होगा. स्लैशन क्या करता है? न्यू लाइन में चले जाएंगे स्लैशन से. लेकिन यहाँ पे स्लैश बी और स्लैश आर भी है, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि आंसर क्या होगा. टेक योर टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन. स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस. याद रखिए स्लैश बी का मतलब होता है बैक स्पेस. आपको पता है बैक स्पेस क्या करता है, ठीक है. और स्लैश आर का मतलब होता है कैरेज रिटर्न. कैरेज रिटर्न मतलब आप जहां पे भी प्रिंटिंग कर रहे हैं वहां से बिल्कुल फर्स्ट वाले कर्सर पे आ जाओ, फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ जाओ. स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस और स्लैश आर का मतलब कैरेज रिटर्न. सर ए. ओके सर ए. ओके, तो स्लैश एन ए बी से हम न्यू लाइन में ए बी प्रिंट कर दिए. फिर उसके बाद जो प्रिंट एफ है उसमें कहा जा रहा है स्लैश बी कर दो. स्लैश बी मतलब बैक स्पेस कर दो. बैक स्पेस करेंगे तो क्या होगा? ये जो ए बी आपने प्रिंट किया है ए बी में से ये जो B है वो बैकस्पेस हो जाएगा. मतलब बचेगा A. बैकस्पेस से AB में से केवल A बचा. उसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो SI, तो ASI हो गया, ठीक है, ASI हो गया. फिर उसके बाद स्लैश R कर रहे हो मतलब कैरेज रिटर्न. कैरेज रिटर्न का मतलब क्या है कि जहां पे A लिखा है वहां पे कर्सर को लेके आप आ गए. और उसके बाद आपने प्रिंट किया HA, तो A रिप्लेस हो गया H से, S रिप्लेस हो गया A से, लेकिन I वैसा ही रहा जहां पे था. तो H A I प्रिंट होगा.
ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. कितने लोग समझ पाए इस बात को? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ओनली 29 स्टूडेंट्स, देयर आर 67 हु आर अटेंडिंग. किसी का कोई डाउट है इसमें? इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क. हाँ जी, आर बता दीजिए. आर का मतलब कैरेज रिटर्न है. जैसे मान लो कि अभी हमने ये देखा था कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पे ए एस आई ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है. उसके बाद कैरेज रिटर्न का मतलब क्या है कि कर्सर आ गया ए की पोजीशन पे. अब जो भी प्रिंटिंग होगी वो ए को रिप्लेस कर देगा. यह मतलब कि हम आगे जाएंगे, अब ए के आगे जाएंगे, है ना. तो स्लैश आर के बाद एच है, तो ए की जगह एच आ गया. फिर नेक्स्ट कर्सर एस की तरफ गया, एच प्रिंट, माने एच हमने प्रिंट कर दिया, अब ए प्रिंट कर रहे हैं, तो ए रिप्लेस कर देगा एस को. एच ए और आई अपनी ही जगह है, तो एच ए आई हो गया. कैरेज रिटर्न का मतलब क्या है कि आप वापस आ रहे हो उसी लाइन में बिल्कुल पहले कैरेक्टर पे. ठीक है, कैरेज रिटर्न. ठीक है, आगे समझ में, आगे चले. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन. सी. यस, अब आप लोग थोड़ा थोड़ा समझने लगे. इसमें क्या हो रहा है कि पहले सी प्रॉम्प्ट है, उसके बाद फिर स्लैश टी का मतलब टैब हो जाएगा. टैब मतलब सी के बाद थोड़ा सा स्पेस, टैब के बाद सी आया. स्लैश टी का मतलब क्या हो गया? टैब. स्लैश टी के आगे क्या लिखा है? सी लिखा है. सी के बाद लिखा है स्लैश बी. स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस. बैक स्पेस का मतलब क्या है कि जहां सी लिखा हुआ है उसको रिमूव कर दो. ठीक है, बैक स्पेस, सी लिखा उसको रिमूव कर दो. एंड देन उसके बाद फिर आई एन, तो सी प्रॉम्प्ट स्पेस थोड़ा सा, उसके बाद फिर आई एन, ये हमारे प्रिंटिंग हो. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? स्लैश टी का मतलब टैब, मतलब टैब मतलब स्पेस. स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस, तो स्लैश टी के बाद सी प्रिंट हुआ, स्मॉल सी. फिर स्लैश बी का मतलब जो सी आपने प्रिंट किया था उसको आपने बैक स्पेस से हटा दिया, इरेज कर दिया. फिर आई एन प्रिंट हो जाएगा. थोड़ा सा रिस्पांस देते रहिए क्लास में, तो मुझे समझ में आता रहेगा कि आपको, आप तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. यस सर. यस सर. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में सी प्रॉम्प्ट स्लैश टीसी स्लैश बिन हम इसका यूज कर रहे थे. अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि वही लिख रहे हैं लेकिन एक स्लैश बढ़ा दे रहे हैं, एक स्लैश हम बढ़ा दे रहे हैं. ओके तो ये जो स्लैश बढ़ाना हो, बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, या स्लैश, अगर आप स्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं माने प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू, तो उस स्लैश के पहले आपको एक स्लैश और लगाना पड़ेगा. ठीक है, इट इज जस्ट दैट कि अगर आप एक स्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको एक स्लैश और लगाना पड़ेगा. फाइन, तो यहां पे क्या है कि आपने स्लैश को प्रिंट किया, ये वाला, और दूसरे वाले स्लैश को भी प्रिंट किया, प्रिंट कराना चाहते हैं मतलब, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक स्लैश उसके पहले और लगा देना पड़ेगा. इस नॉलेज को जानते हुए आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा? बी. 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 या सी. किसी ने सी भी बोला, ऑप्शन बी ही होगा, है ना. आपको क्या, अगर मान लो आप एक स्लैश को प्रिंट कराना चाहते हो, तो स्लैश को प्रिंट कराने का मतलब ये हो गया ना कि भाई स्लैश टी का कोई मीनिंग नहीं रहा, या स्लैश बी का कोई मीनिंग नहीं है, है ना. तो स्लैश टी और स्लैश बी जो है वो आप नहीं चलेंगे. हमने सिंपली स्लैश को प्रिंट किया है आउटपुट स्क्रीन पे. तो एक स्लैश को प्रिंट करने के लिए हम दो स्लैश का यूज करते हैं, एक स्लैश के सपोर्ट में एक स्लैश और लगाते हैं, ये याद रखिएगा. इसी तरह से
जो सिंगल कोट्स होता है या डबल कोट्स होता है, इसको भी अगर आपको प्रिंट कराना है तो उसके पहले भी आपको स्लैश लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अगर आप सिंगल कोट्स लिखेंगे तो भी प्रिंटिंग नहीं होगी, डबल कोट्स लिखेंगे तो भी प्रिंटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप स्लैश डबल कोट्स लिख दें या स्लैश सिंगल कोट्स लिख दें तो इसकी प्रिंटिंग हो जाएगी स्क्रीन पे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो किस किस कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए आप स्लैश का यूज करेंगे, प्लीज गिव मी द आंसर। किन किन कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए आप स्लैश का यूज करेंगे? सर स्लैश एंड कॉमास, कॉमास नहीं, सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स, सिंगल कोट्स डबल कोट्स। सर आई हैव अ डाउट टू दैट। बताइए सर। अभी तो जैसे हमें स्लैश वो पूरा स्लैश टी प्रिंट हो गया अभी हमारा, सर व्हाट इफ हमें एक स्लैश के बाद एक्चुअली स्पेस चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? स्पेस लगा दो स्पेस बार से। राइट ओके यस सॉरी। चलो नेक्स्ट। यस बताइए इसमें। क्या लग रहा है इसमें? सी। हेलो वर्ल्ड। ओके और भी लोग बताइए क्या लग रहा है आपको? सर सी लग रहा है। सी लग रहा है ओके। ये कंपाइलर एरर है। क्यों एरर है इसमें? क्योंकि आपने हेलो वर्ल्ड के बाद जो डबल कोट्स देन ब्रैकेट एंड देन सेमी कॉलन न्यू लाइन में ले लिया है ना, तो अगर आपने ऐसा कर दिया है, गलती से आपने ऐसा टाइप कर दिया है, तो इस माने दोनों जगह एरर आएगी, प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट में भी आएगी और उसके नीचे वाले में भी स्टेटमेंट में एरर आएगी, दोनों में सिंटैक्स एरर आएगी है ना। तो कंपाइल टाइम एरर मतलब कि सिंटैक्स एरर आएगी। यहां ये कहा जाएगा कि डबल कोट्स मिसिंग है प्रिंट एफ में, और नीचे वाले स्टेटमेंट में कहा जाएगा कि एक डबल कोट्स क्यों ले लिया भाई, तो इसका पैरेंथेसिस मिसिंग है ना, तो ये कंपाइल टाइम एरर है। समझ पा रहे आप मेरी बात? इसमें इंटेंशनली इस क्वेश्चन को इस तरह से रखा गया था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। है ना, ये सिंटैक्स एरर है, दिस इज द सिंटैक्स एरर, तो कंपाइल टाइम एरर है। तो आप इस बात को समझिए, देखिए मोस्ट ऑफ यू हैव एक्चुअली थॉट ऑफ कि जो आंसर है वो सी है, मोस्ट ऑफ यू आंसर भी सारे सी है, किसी एक के बारे में किसी एक के मन में डाउट भी रहा होगा, बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि अगर हमने ऐसा लिखा है और स्क्रीन पे सॉरी अपने एडिटर पे, तो हम किसी लाइन की चीज को दूसरे लाइन में एक्सटेंड नहीं कर सकते, सेम लाइन में हमें उसको फिनिश करना हो, ठीक है, उसी लाइन में हमें फिनिश करना होगा, अदरवाइज ये सिंटैक्स एरर आएगा। तो ये फॉर लूप के साथ भी ऐसा हो सकता है कि फॉर लूप में आपने एक स्टेटमेंट लिखा एंड देन दूसरे स्टेटमेंट के लिए आप न्यू लाइन में आ गए, तो वो सिंटैक्स एरर बता देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन एवरी स्लाइड वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग सम कॉन्सेप्ट, सो होपफुली आप इन कॉन्सेप्ट्स को कहीं लिख रहे हैं, कहीं आप इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैप भी कर रहे हैं और याद भी रखेंगे फ्यूचर में। बताइए इसका आंसर। ओके ओके सर डी। Expecting more answers. B. Okay. Take your time.
okay, let me tell you what is happening here. In the declaration, we have taken two variables, A and B. A has been assigned a value 12 and B has not been assigned any value. So this is a very basic thing. In the printf statement, we are going to print the value of B first, and then next there is a statement B equals to A. अब printf क्या करता है कि printf right to left चलता है, ठीक है? Printf goes right to left. तो right to left अगर चलेगा तो होगा क्या कि B equals to A assignment पहले हो जाएगा, ठीक है? Printf is going right to left. सबसे पहले B equals to A assignment हुआ, तो B equals to A assignment से B की वैल्यू A के इक्वल हो गई. इसका मतलब कि B की वैल्यू भी 12 हो गई. हमने A की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था 12, तो अब B की वैल्यू भी 12 हो गई. ओके, और फिर आप B को प्रिंट भी करा रहे हैं. सो B प्रिंट होगा 12 एंड अगेन 12. करेक्ट, समझ में आया? नहीं, क्या कॉन्सेप्ट आपने यहां से जनरेट किया? कॉन्सेप्ट यह है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखी गई जो चीजें हैं वो राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होती है. लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट इवेलुएट होती है. अगर मान लीजिए कि लेफ्ट टू राइट इवेलुएट होता तो क्या होता? बी में कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती फर्स्ट बी से और सेकेंड बी में 12 प्रिंट होता. करेक्ट, बताइए कितने लोग समझ पाए? रेज योर हैंड्स. राइट टू लेफ्ट इवेल्युएशन हो रही है, यहां पे कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आई थिंक एवरी वन ऑफ यू कैन आंसर दिस. अरे यस, इट इज ए. इट इज वेरी सिंपल. मैंने ए की वैल्यू 23 लिया, बी की 12, सी की 10, डी की 10, सॉरी डी में असाइन नहीं किया. फिर मैंने लिखा डी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए. सो राइट टू लेफ्ट चलिए, सबसे पहले बी में ए असाइन हुआ, 23 बी आ गया. फिर बी की वैल्यू सी में असाइन हो गई, इसका मतलब कि सी की वैल्यू भी 12 हो गई. फिर सी की वैल्यू डी में असाइन हो गई, सॉरी 12 नहीं 23. सो C की वैल्यू D में असाइन हो गई, इसका मतलब कि D में भी 23 आ गया. सो A B C D चारों में 23 और 23 प्रिंट हो जाएगा. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये. इसका इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट में वर्क करता है, ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है. फाइन, सो राइट वाला जो इक्वल्स है या जो असाइनमेंट है वो पहले चला और लेफ्ट वाले असाइनमेंट बाद में चलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियसली आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसी को आप यहाँ पे यूटिलाइज कीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा इसका. सर ऑप्शन सी. सर सी. सी. Yes. Why C? Sir, C जो variable है वो float type है. वो ठीक है, लेकिन ये 8.000000 क्यों print कर रहा है? ऐसा क्यों? Float 6 decimal places पर print करता है. Divide by. जो precision है, float का default precision होता है. After the decimal होता है. ठीक है, float का default precision a 6 digits after the decimal. इसीलिए option C is the correct one. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह से, आंसर बताइए इसका क्या होगा. डी. क्या होगा? डी. डी डी सर. ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स. जल्दी जल्दी बताइए. सर डी. बी. ओके, बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. अच्छा, प्रिंटिंग आप क्या कर रहे हो? प्रिंटिंग कर रहे हो आप फ्लोट की, माने परसेंटाइल एफ से प्रिंटिंग कर रहे हो. हालांकि जो वेरिएबल सी है
वो इंटीजर है लेकिन आप प्रिंटिंग कैसे कर रहे हो परसेंटाइल एफ में, तो परसेंटाइल एफ में चूंकि आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो डेसिमल के पास 6 पॉइंट्स तो प्रिंट होंगे। अगर आप इसी को ध्यान में रखते हुए भी प्रिंटिंग अगर आप सोचो कि क्या होगी तो ए और सी ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इवन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी में देखो आप डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं 3.5000, करेक्ट और नॉट। सी आपको कंफ्यूज करना चाहिए था ये चीज कि भाई डी कैसे हो सकता है, डी में तो 5 ही डिजिट प्रिंट हो रहे हैं। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि डेसिमल के बाद तो 6 डिजिट प्रिंट होते हैं, 0 है तो भी प्रिंट हो रहा है, वो है कि नहीं? यस और नो, मुझे आंसर देते रहिए फिर मैं आपको इसका सही एक्सप्लेनेशन जो है वो बताऊंगा। अभी तो हम केवल जो एलिमिनेट, वी आर जस्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शन और देन उसका हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी हम 0 के बारे में भी क्लियर नहीं है, 0.0000 के बारे में भी हम क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि नंबर 3.5 है, 3.5 है तो 0 कैसे प्रिंट हो जाएगा, है ना? तो अभी हम कंफ्यूज हैं इसके बारे में, लेकिन बाई गोइंग थ्रू दी लास्ट कॉन्सेप्ट जिसमें एक आ गया कि डेसिमल के बाद 6 पॉइंट्स प्रिंट होते हैं बाई डिफॉल्ट, ये नहीं है यहाँ पे ए बी और डी में। चलो ठीक है, इसको हम ये ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी डाटा का इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं हो रहा है कि हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, केवल हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, इंटीजर डाटा है और उसकी फ्लोट में प्रिंटिंग कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? सी एक इंटीजर है, ठीक है, सी इक्वल टू 3.5 लिखोगे तो सी में 3 आ जाएगा, ये श्योर है, सी इक्वल टू 3.5 लिखोगे तो सी में 3 आ जाएगा, ये श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके नाउ अब आप सोचो इस सी को कितने कितने बाइट में आप रिप्रेजेंट करोगे, टेल मी प्लीज, टेल मी सी को कितने बाइट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1, 2, 4 कितने में? 2, 2, 2 यस, क्योंकि इंटीजर है। अच्छा 2 बाइट में आप रिप्रेजेंट कर दो इसको, ठीक है हमने 2 बाइट में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ओके 2 बाइट में रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 और इसके पहले कितने जीरोस होंगे बताइए, इसके पहले कितने जीरोस होंगे भाई, 3, 6 नहीं होंगे, 15 बिट का नंबर होगा, 1 बिट साइन होगा, 15 बिट का नंबर और 1 बिट साइन, साइन को भूल जाओ, 15 बिट में नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो 1, 1 होगा हमारा बाइनरी और उसके पहले 13 जीरोस होंगे, 13 जीरोस होंगे, तो 13 जीरो फॉलोड बाई 1, 1 ये हमारा नंबर है। अच्छा जब आप इसको फ्लोट में प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो तो फ्लोट कितने बाइट लेता है मेमोरी में बताओ, 4 बाइट लेता है, 4 बाइट मतलब 32 है ना। सीओ में आपने पढ़ा होगा कि 32 का डिवीजन कैसा होता है, 32 का डिवीजन ऐसा होता है कि 1 साइन के लिए 8 बिट आपके एक्सपोनेंट के लिए जो बायस्ड एक्सपोनेंट होता है और 23 बिट मेंटेसा के लिए, सही है गलत? Yes, sir. है ना, 23 बिट आपके किसके लिए होता है, मेंटेसा के लिए। तो एक काम करो, ये जो 2 बाइट वाला हमारा पार्ट है इस 2 बाइट वाले पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 4 बाइट में, कैसे एक्सटेंड करेंगे आप बताओ, कैसे एक्सटेंड करोगे, या तो स्टार्टिंग में 000 लगाओगे या एंड में 000 लगाओगे, दो ही तरीका है ना, चाहे आप स्टार्टिंग में 00 लगाओगे या एंड में 00 लगाओगे, तो आप कहां चाहते हो लगाना, या आपको क्या लगता है कंपाइलर कहां लगाएगा इसको 00? आगे लगाएगा सर, आगे लगाएगा, चलो ठीक है हमने मान लिया कि आगे इसने 00 लगा दिया। अच्छा 00 अगर इसने आगे लगा दिया, ये आपका मानना है कि 00 आगे लगाएगा, ऐसा नहीं है कि ये यही सही है, चलो आगे 0 लगाए या पीछे 0 लगाए, एक्सपोनेंट तो 0 ही हो जाना है ना, होगा कि नहीं बताओ? यस सर, एक्सपोनेंट क्या होगा, 0 ही हो जाना है ना। अच्छा ये जो नंबर है वो हो सकता है कि मेंटिसा में फिट हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपोनेंट की तरफ चला जाए और मेंटिसा 0 हो जाए, मेंटिसा 0 हो जाएगा तो नंबर भी 0 हो जाएगा,
और नंबर अगर जीरो हो गया, मेंटिसा जीरो होने का क्या मतलब है कि मेंटिसा एक क्या है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, तो नंबर जीरो हो गया। अगर नंबर जीरो ही हो गया तो ऑब्वियसली बात है एक्सपोनेंट कुछ भी हो नंबर जीरो ही हो जाना है। तो चूंकि नंबर जीरो ही हो गया इसलिए इसका जो प्रिंटिंग है वो 0.0000 होगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमारा एक्सपोनेंट और मेंटिसा दोनों जीरो ही हो जा रहे हैं या हो सकते हैं, इस रीजन से ये प्रिंटिंग होगी। तो एक तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस नंबर को जीरो प्रिंट करने का, है ना। दूसरा एक्सप्लेनेशन एलिमिनेशन मेथड से, ए नहीं हो सकता, फ्लोटिंग पॉइंट में 6 डिजिट आ होना चाहिए। बी नहीं हो सकता, फ्लोटिंग पॉइंट में 6 डिजिट आफ्टर द डेसिमल होना चाहिए। डी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 5 डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो निश्चित रूप से सी ही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थोड़ा सा हाफ समझ में आया होगा लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम दोनों मेथड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि जिसमें कि हम जीरोज आप स्टार्टिंग में लगा दो या एंड में लगा दो, है ना। तो मेंटिसा अगर जीरो हो जाएगा तो नंबर भी जीरो हो गया भले एक्सपोनेंट कुछ भी हो। तो मेन कॉन्सेप्ट यहां पे यही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पे मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आपने ये सीखा होगा कि हम केवल पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर ये लिखा कि 25 मॉडुलस 10, तो इसका आंसर मेरा 5 आना चाहिए कि ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 5 रिमाइंडर आएगा। यही हम जानते हैं, 25 मॉडुलस 10 करेंगे तो 2 टाइम्स ये जाएगा और 5 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये ऐसा कहा जा रहा है -25 modulus -10 -25 modulus -10 -25 modulus -10। आपका एप्टीट्यूड क्या कहता है इसके लिए? ऑप्शन सी। सी क्यों? वाई सी सर, साइन ऑफ जो न्यूमरेटर के साइन पर डिपेंड करता है कि क्या आंसर आएगा। बिल्कुल, तो न्यूमरेटर का जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करते हैं कि मॉडुलस का साइन क्या होगा, बट अर्थमेटिक वैसी होगी जैसे कि हम 25 मॉडुलस 10 में कह रहे हैं। तो ए बी सी तीनों की जो वैल्यू होगी वो 5 ही होगी, लेकिन साइन हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हम ए बी और सी तीनों को ये मानेंगे कि ये 25 मॉडुलस 10 हो रहा है, 25 मॉडुलस 10 25 मॉडुलस 10 25 मॉडुलस 10। लेकिन साइन डिसाइड करने के लिए न्यूमरेटर के साइन को पिक करेंगे। जैसे ए में न्यूमरेटर -25 है तो रिमाइंडर नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली बी में न्यूमरेटर नेगेटिव है तो इसका भी आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और सी में न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो इसका रिमाइंडर पॉजिटिव होगा। तो पहले ए में नेगेटिव रिमाइंडर, बी में नेगेटिव रिमाइंडर और सी में पॉजिटिव रिमाइंडर। सो -5 -5 एंड 5। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितने लोग समझ पाए आप में से इसको? So what we are saying here, I again repeat that the modulus is taken just as you take the modulus of the positive numbers. It is just that deciding ki kya sign hoga hamare modulus ka remainder ka, usme hum numerator ka sign ko pick kar lijiye, that will be the sign of the answer. Okay, now this one. Take your time and tell me the answer. The no output. No output. Okay. Sir, D. Option B, sir. Option B. B. Okay. D. Yes, Anas, kuch bata rahe ho?
ऑप्शन ए. ऑप्शन ए नो आउटपुट. ओके ऑप्शन ए. ऑप्शन ए. सो एवरीवन इज टेलिंग ऑप्शन ए. सो हाउ मेनी आर एग्रीइंग विद ऑप्शन ए? रेज योर हैंड्स. ओनली 5 and 7 हैंड्स नाउ. 13. Looks like people are convinced with A answer, but answer A is not correct. Let me tell you why it is not correct. Let me sir. Explanation. What is happening here? कि यहाँ पे integer x 1 है और float y जो है वो 1.0 है. ठीक है. हम comparison कर रहे हैं पहले में. क्या x equals to y है? तो x है integer और y है float. तो float के according integer का conversion हो जाएगा. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टाइप है वो प्रमोट हो जाएगा. प्रमोशन कर रहे हैं इसका. 2 byte से 4 byte वाले फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हम इसको कहते हैं. ठीक है. दिस इज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन. तो अगर x को जो कि 1 है हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे तो लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएंगे. इसका मतलब इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी. इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो पोलो तो प्रिंट होगा. ठीक है. पोलो हमारा प्रिंट हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट वाला पिक करो. 1 equals to 1.0. ठीक है. 1 equals to 1.0 यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही जैसे x equals to y हमने लिखा. यहाँ पे ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, x double equals to y हमने लिखा. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 byte वाला पार्ट है और राइट हैंड साइड पे 4 byte वाला है. तो जो लेफ्ट हैंड साइड का 2 byte वाला पार्ट है वो 4 byte में कन्वर्ट हो गया. इम्प्लिसिट कन्वर्जन इसका हो गया. यहाँ पे भी क्या है, राइट हैंड साइड में एक 1.0 मतलब एक डबल है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिफॉल्ट लिखी गई है तो उसको हम डबल मानते हैं. तो राइट हैंड साइड में एक डबल है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक इंटीजर है 2 byte का. तो इंटीजर का इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा 8 byte में और दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे गोल्फ भी प्रिंट होगा. सिमिलरली तीसरे वाले में इफ में क्या कहा जा रहा है कि राइट हैंड साइड में 4 byte का एक, राइट हैंड साइड में क्या है कि 4 byte का एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8 byte का है. तो यहाँ पे भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 8 byte में कन्वर्ट होके देन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से कंपेयर होगी. तो बॉक्सिंग भी प्रिंट होगा. तो इस यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं. जब हम कंपेरिजन करते हैं या असाइनमेंट करते हैं तो दोनों के केस में हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर सकते हैं. इम्प्लिसिट कन्वर्जन में यूजुअली क्या होता है कि जो कम बाइट वाला नंबर होता है वो ज्यादा बाइट वाले नंबर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है. तो तीनों कंडीशन ट्रू मानी जाएंगी और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. तो हमने यहां पे क्या सीखा, यहां पे हमने ये सीखा इम्प्लिसिट कन्वर्जन. इम्प्लिसिट कन्वर्जन, विल यू रिमेंबर दिस नाउ? Please tell me, याद रहेगा ये implicit conversion. छोटा, जो छोटे byte वाला है वो बड़े byte में convert हो जाएगा. ये यहाँ पे concept है. Next question. ये simple सा conditional operator है. यहाँ पे मैंने आपको ज्यादा confuse मत होइएगा. Simply जैसे मान लीजिए कि हमने ये कहा कि y equals to x greater than 5. तो 10, अदरवाइज 20. ठीक है. तो यहां पे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला. इसको पूरा लिख दीजिए. यस, अब आपको विजिबल होगा कि यहां पे क्वेश्चन मार्क और कोलन जहां लगता है इसका मतलब क्या होता है, ये कंडीशनल ऑपरेटर. कंडीशनल ऑपरेटर क्या मतलब होता है कि अगर x ग्रेटर देन 5 है तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी, अदरवाइज y की वैल्यू 20 हो जाएगी. सो इफ x इज ग्रेटर देन 5 then 10, otherwise 20. So ये conditional operator है यहाँ पे. तो similarly यहाँ पे second statement में use किया गया है conditional operator. आप बताएं कि इसका answer क्या होगा? C. Option C. Option C is compiler error. Option B. सी क्यों कहा आपने सर? क्योंकि
चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हो, हम बी वेरिएबल के अंदर प्रिंट एफ स्टेटमेंट स्टोर कर रहे हैं। बी में प्रिंट एफ तो क्या दिक्कत है, इससे दिक्कत क्या है? ये आयुष का क्वेश्चन, आयुष का आंसर था ना ये? आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा टाइम लीजिए और फिर बताइए, पर एक बहुत क्विकली बताने की कोशिश मत कीजिए, दिमाग में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सेट कीजिए एंड देन आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो अभी आपने पूछा था ना, मैं उसका आपको आंसर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये लिखा प्रिंट एफ में कैट स्लैश एन, प्रिंट एफ में आपने लिखा है कैट स्लैश एन, ये वाला जो लाइन है मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसको विजिबल हो जाएगा आपको थोड़ी देर में, जो आपने प्रिंट एफ में लिखा है कैट और स्लैश एन। तो होता क्या है कि जब प्रिंट एफ स्टेटमेंट जितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है उतना रिटर्न कर देता है, तो सी प्रिंट किया इसने, ए प्रिंट किया, टी प्रिंट किया और स्लैश एन प्रिंट किया, तो इसने चार कैरेक्टर्स प्रिंट किए, तो प्रिंट एफ का आउटपुट आएगा चार, है ना? तो बी में फोर असाइन हो जाएगा। अगर आप आपके जो केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बस समझिए कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट चूंकि लिखा है राइट हैंड साइड में, इसलिए बी में कोई वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट जितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है उतना रिटर्न करता है, तो प्रिंट एफ ने अगर चार कैरेक्टर प्रिंट किया तो प्रिंट एफ फोर रिटर्न करेगा, तो बी में फोर असाइन हो जाएगा अगर आप ये कह रहे हो कि राइट हैंड साइड में प्रिंट एफ लिखा है तो। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन आयुष, या तुम्हारा जो डाउट था उसको मैंने किया कि नहीं? सर इसमें none of these होगा आंसर। None of these, okay. None of these क्यों? लॉजिक कि सर जो हमारी स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है और फिर प्रिंट एफ कैट और डॉग करा रहे हैं हम, लेकिन अच्छा। वो तो किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रहा। ठीक है चलो, इस लॉजिक से इन ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया none of these, बट none of these आंसर नहीं है, ए बी सी डी में से none of these आंसर नहीं। कुछ और सोचो इसके बारे में, चलो ठीक है मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली है क्या कि ये जो ट्रू वाला पार्ट है ना, जैसे ए की ए इक्वल्स टू नाइन है, ऑब्वियसली है तो ट्रू है, तो हमने ट्रू वाले पार्ट में जाएंगे जहां पे प्रिंट एफ कैट एंड डॉग लिखा हुआ है, प्रिंट एफ कैट प्रिंट एफ डॉग, ठीक है ये वाला पार्ट। नाउ इस वाले पार्ट में दो स्टेटमेंट है, सेमी कॉलन लगा के दो स्टेटमेंट है, पहले कैट प्रिंट कर रहे हो देन सेमी कॉलन लगा के प्रिंट एफ डॉग प्रिंट कर रहे हो, दो स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है कंडीशनल ऑपरेटर में, दो स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है। चूंकि दो स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है इसलिए ये कंपाइलर एरर है, करेक्ट? समझा पाया मैं आपको या नहीं समझा पाया? प्रिंट एफ मैंने अगर कंडीशनल ऑपरेटर लगा है तो ट्रू या फॉल्स वाले पार्ट में दो स्टेटमेंट नहीं हो सकते, एक ही स्टेटमेंट होगा, सिंगल स्टेटमेंट होगा। अगर यहाँ पे प्रिंट एफ कैट लिखा होता तो सही था, ये प्रिंट एफ डॉग लिखा होता तो भी सही था, लेकिन चूंकि प्रिंट एफ कैट फिर सेमी कॉलन प्रिंट एफ डॉग लिखा इसलिए गलत है, ये गलत मतलब सिंटैक्टिकली रॉन्ग है। तो सिंटैक्स एरर जहां पे भी होगी वहां पे कंपाइलर एरर जनरेट होगी। बताइए कुछ क्वेश्चन था किसी का, क्वेरी थी? यस सर, सर मैं पूछ रहा था कि तो फिर हम यहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी नहीं लिख सकते? फंक्शन कॉल लिख सकते हैं, एक फंक्शन कॉल हो सकती है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक ही होगी, दो नहीं होगी। तो सर वो फंक्शन कॉल में मल्टीपल लाइंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं? हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वहां पे हमारा कंट्रोल वहां पास हो गया ना, वहां से आएगी तो एक ही वैल्यू ना। तो अगर फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर ये दो चीजें प्रिंट कर, बट लेकिन दो स्टेटमेंट नहीं आएंगे यहाँ पे, एक ही आएगा स्टेटमेंट। थैंक यू सर। कितने लोग समझ पाए, रेज योर हैंड्स। प्रिंट एफ में दो स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे, एक ही स्टेटमेंट आएगा, सॉरी प्रिंट एफ नहीं मतलब कंडीशनल ऑपरेटर में जहां पे भी हो। केवल 32 लोगों को समझ में आया क्लास के,
I think more than 68 students are participating in the class today. Okay, sir, fine. Next question. Ah, please. Sir, ye double dot ka kya meaning hai sir isme? Double dot jo likha sir print tab jo. Double dot to likha nahi, single dot. Acha ye jo hai colon hai, ye colon. Isko hum colon kehte hain. ये यहां से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से. देखो सर. हाँ प्लीज बताएं. सर इसमें एक भी स्टेटमेंट होता तो फिर बी में द फोर वैल्यू जाती. कैसे फोर वैल्यू जाती कैसे सर? मतलब जो आपने अभी एक्सप्लेन किया था कि कैट और स्लैश एंड वो मतलब फोर. आप देखो दो स्टेटमेंट है, एक प्रिंट एफ कैट है फिर सेमी कॉलन लगा के प्रिंट एफ डॉग है. यस सर, मतलब वो मैं समझ गया. अगर क्वेश्चन में डॉग वाला स्टेटमेंट ना होता, अगर मतलब सिर्फ कैट होता तो सही है, फोर आता बी में. प्रिंट तो होता कैट लेकिन बी में असाइन होता क्या? फोर. प्रिंट तो कैट ही होता, ध्यान से समझो. प्रिंट तो कैट होगा ही आउटपुट स्क्रीन पे, लेकिन बी में फोर असाइन होता. आपने बी की वैल्यू कहीं प्रिंट थोड़ी कराई है. यस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. सी सी यस, बट ऑब्वियस सी है ना. क्यों सी है? फाइव लेस देन टू है. गलत है कि सही है ये? कौन सा कौन सा स्टेटमेंट आएगा? कोलन वाला तो थ्री आ जाएगा. थ्री एक ही हमने प्रिंटिंग भी कराई है तो थ्री प्रिंट हो जाएगा. चलिए ये बताइए. यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है स्टेटमेंट में? चप्पल पे पढ़ लो आप आराम से, देन एक्सप्लेन करते हैं इसको. एक सर, कपिल कोलन का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? कपिल चौधरी. यस सर. कोलन का मतलब समझ में आ गया ना? यस सर. ठीक है चलो, ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सी सी. यस यस, का वैल्यू ASCII वैल्यू. ASCII वैल्यू किसकी? जो भी स्क्रीन पे कैरेक्टर हम प्रिंट लेंगे उसकी ASCII वैल्यू आ जाएगी. कैसा? इसका मतलब क्या है? Y equals to X double equals 1. इसका मतलब कंडीशन चेक करें कि क्या X की वैल्यू 1 है. तो हाँ X की वैल्यू 1 है ना, दिख तो रहा है ना? तो ट्रू हो गया. ट्रू हो गया तो गेट कैरेक्टर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. गेट कैरेक्टर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि स्क्रीन पे कोई कैरेक्टर टाइप किया जाए. जो भी पहला करेक्टर आप टाइप करेंगे वो वाई में आ जाएगा. गेट करेक्टर में आएगा और गेट करेक्टर के थ्रू वाई में आ जाएगा. तो जब आप वाई की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो जो भी करेक्टर आपने प्रिंट किया था आउटपुट स्क्रीन पे टाइप किया था उसकी ASCII वैल्यू आ जाएगी. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर मैं दूंगा नहीं, मैं आपसे एक्सप्लेनेशन भी आप ही से एक्सपेक्ट करूंगा.
ऑप्शन बी सर बी प्रिंट होना चाहिए बट एस स्मॉल होना चाहिए सर डी ओनली ऑप्शन बी डी सर ए ए सब ऑप्शन आ गए ए सी डी माने कि अब केवल सी बचा है और भी लोग बताइए थोड़ा थोड़ा सर बी बी ओके अच्छा ये आपको पता है ना इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर का मतलब एक ही होता है इंटीजर हो चाहे शॉर्ट इंटीजर हो दोनों का मीनिंग सेम होता है तो आपने एक इंटीजर लिया x1 और शॉर्ट इंटीजर i2 फिर आपने फ्लोट लिया f3 ठीक है आप देखिए पहला वाला जैसे हम जाएं तो साइज ऑफ के अंदर आप एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 2 है तो f अदरवाइज i है ना इफ x इक्वल्स टू 2 देन f अदरवाइज i तो क्या x की वैल्यू 2 है या नहीं है x की वैल्यू तो 1 है 2 नहीं है इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई कंडीशन फॉल्स हो गई इसका मतलब i तो साइज ऑफ में हम i फाइंड कर रहे हैं i का साइज कितना है तो i का साइज कितना आएगा बताइए सर 2 2 आएगा ऑब्वियसली साइज ऑफ i जो है वो 2 आएगा अच्छा राइट हैंड साइड में क्या है साइज ऑफ फ्लोट डायरेक्टली आप कंपेयर कर रहे हैं तो साइज ऑफ फ्लोट कितना होगा 4 क्या 2 4 के इक्वल है बताइए क्या 2 4 के इक्वल है या नहीं है वो सर इसका मतलब एल्स पार्ट ठीक है एल्स पार्ट में जाओ एल्स में क्या कहा जा रहा है एल्स में ये पूछा जा रहा है कि अगेन मैंने सेम स्टेटमेंट लगाया गया कि क्या x इक्वल्स टू 2 है अगर है तो f अदरवाइज i तो x 2 तो है नहीं तो i है ना तो साइज ऑफ i कितना होगा 2 होगा अच्छा राइट हैंड साइड में साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर तो शॉर्ट इंटीजर की साइज तो 2 ही होती है ना तो ये कंडीशन ट्रू हो गई हाँ ठीक है पैरेंथेसिस आप लगा लीजिएगा गलती हो गई है राइट हैंड साइड में छोड़ दीजिए इसको मैंने मान लीजिए गलती हो गई छोटी सी 2 इक्वल्स टू 2 है या नहीं है 2 इक्वल्स टू 2 होगा ना तो इसलिए प्रिंट एफ होगा क्या शॉर्ट इंटीजर बी इज द करेक्ट आंसर कितने लोगों ने बी अपने से निकाला था आंसर वेरी गुड वेरी गुड अबाउट 20 स्टूडेंट्स I think many more. Oh, sir, I have a doubt. आप बताएं. Sir, in questions like these, जिसमें मतलब हमें print कराने का check करना होता है, तो sir जैसे printf के अंदर जो s लिखा है वो small है और जो answer में ऐसे वो capital है. ये सब consider करना होता है. नहीं नहीं, ये हमारी गलती है, इसको ignore कर दो. Okay okay sir. चलें next question. This is the next question. सर सी सी सर बी ओके बी और सी सर सी सर बी सोच लो फिर सर बी ओके लेट मी चेक x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 10 हमने z वाले स्टेटमेंट में चेक किया कि क्या
वाई लेस देन एक्स है तो वाई लेस देन एक्स तो फॉल्स हो गया, वाई तो टेन है, तो चूंकि फॉल्स हो गया इसलिए हम कहां जाएंगे, एक्स प्लस प्लस पे जाएंगे। ठीक है, एक्स प्लस प्लस का क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यू पहले जेड में असाइन हो जाएगी, देन एक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में कैसे चलता है, जैसे आप स्टेटमेंट को ऐसे मानो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, यही तो स्टेटमेंट है जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, आ जाएगा थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस। तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि जेड में एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी, एक्स की वैल्यू है 9, तो जेड में हो गया 9 और उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 10। प्रिंटिंग हम किसकी करा रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड में क्या वैल्यू असाइन हुई है 9, तो जो प्रिंटिंग होगी वो 9 की प्रिंटिंग होगी। करेक्ट, कितने लोग समझ पाए मेरी बात, असाइनमेंट बाद में हो रहा, माने असाइनमेंट पहले हो जा रहा है और इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, यहां का कॉन्सेप्ट सिंपली यही है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट का यही कॉन्सेप्ट है ना, पहले असाइनमेंट हो जाएगा देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी बी 10 10 बी ओके, पिछले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बस केवल अंतर है कि वहां हम जेड प्रिंट करा रहे थे, यहाँ एक्स और वाई प्रिंट करा रहे हैं, तो एक्स तो इन एनी केस 10 हो ही जाएगा इंक्रीमेंट से और वाई ऑलरेडी 10 है, तो निश्चित रूप से 10 और 10 ही प्रिंट होगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे लॉजिकल और लॉजिकल एंड का यूज किया है और बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा, डोंट बी इन हरी टू गिव द आंसर। यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट का यूज किया गया है, सो ए ए 6010 ओके। A. A. Okay. I have received 2 answers only. I am expecting more. A. 3 answers only. At least you should come up with some answer. B. ओके 4 आंसर्स, चलिए ठीक है मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक एंड लगा हुआ है, तो उसके लेफ्ट में आप एक कंडीशन एक्सपेक्ट करेंगे और उसके राइट में कंडीशन एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर एंड लगा हुआ है, डबल एंड, इसका मतलब ये लॉजिकल एंड है, तो उसके लेफ्ट और राइट में आप एक कंडीशन एक्सपेक्ट करें, दोनों तरफ लेफ्ट में भी और राइट में। अच्छा, एंड का लॉजिक ये है
कि अगर ए और बी दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी ये आंसर इसका ट्रू होगा. अगर ए कंडीशन भी ट्रू है और बी कंडीशन भी ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू होगा. ओके अच्छा मान लीजिए कि ए कंडीशन फॉल्स है. मान लेते हैं कि ए कंडीशन फॉल्स है. तो अगर ए कंडीशन फॉल्स है तो बी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है अगर ए कंडीशन फॉल्स है तो यू डू नॉट नीड टू चेक दी कंडीशन बी. वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो क्योंकि आंसर तो फॉल्स ही आना है अब क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है. तो ये याद रखिए कि अगर हम एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं और ए कंडीशन फॉल्स हो गई तो बी की तरफ हम जाएंगे ही नहीं. ओके नाउ सिमिलरली अगर ए और बी दो कंडीशन है और इसके बीच में और लगा हुआ है. और का क्या मतलब है चाहे ए ट्रू हो चाहे बी ट्रू हो आंसर ट्रू ही आएगा. तो अगर ए ट्रू हो गया है ए कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है तो बी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो ट्रू ही आना है. तो बी चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो हमें बी को चेक करने की जरूरत नहीं है आंसर ट्रू ही आएगा. तो इस कॉन्सेप्ट को हमें यहां पे यूटिलाइज करना है. एक और कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लीजिए. अगर कोई नंबर मेरे पास है जैसे फॉर एग्जांपल 1 और हमने इसको एज ए कंडीशन ट्रीट किया तो इसका इवैल्यूएशन ट्रू होता है. ठीक है इसी तरह से अगर हमारे पास कोई नंबर 10 है तो भी इसका इवैल्यूएशन ट्रू होगा. सिंपली ये मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका इवैल्यूएशन ट्रू होता है. सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर है -7 या -9 ठीक है तो इनका भी इवैल्यूएशन ट्रू होता है. तो चाहे कोई पॉजिटिव नंबर है चाहे कोई नेगेटिव नंबर है उनका इवैल्यूएशन ट्रू होता है लेकिन जीरो का इवैल्यूएशन फॉल्स होता है. तो ओनली जीरो का इवैल्यूएशन फॉल्स है बाकी सबका इवैल्यूएशन ट्रू होता है ये याद रखिएगा. ठीक है ओनली जीरो इज इवैल्यूएटेड एज फॉल्स अदरवाइज नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर को हम ट्रू इवैल्यूएट करते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन में एक आ जा रहा है कि ए इक्वल्स टू प्लस प्लस वाई और प्लस प्लस एक्स. ये सेकंड स्टेटमेंट देखिए. अच्छा प्लस प्लस वाई का क्या मतलब है प्री इंक्रीमेंट है वाई में. तो वाई में प्री इंक्रीमेंट मतलब वाई की वैल्यू जीरो थी अब वाई की वैल्यू वन हो गई. तो और के लेफ्ट में वन है इसको हम ट्रू माने या फॉल्स बताइए. और के लेफ्ट में वन है तो वन को हम ट्रू माने या फॉल्स. अभी अभी जो आपने लॉजिक सीखा या अभी भी जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसके हिसाब से बताइए. ट्रू ये ट्रू. क्या हमें दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत है और के राइट में जो है. नो सर. नहीं ना तो इसका मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू वन हो गई और यही वैल्यू ए में असाइन हो गई है ना. सेकंड स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यही वैल्यू ए में असाइन हो गई तो ए में आ गया मेरा वन. वाई में वन है अब ए में भी वन आ गया. ठीक है अब स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं जहां पे b इक्वल्स टू माइनस माइनस वाई एंड प्लस प्लस x लिखा हुआ है. माइनस माइनस y का मतलब क्या है कि प्री डिक्रीमेंट. प्री डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि y की वैल्यू पहले 1 थी अब y की वैल्यू को 0 कर दो. स्क्रीन रुक सी गई है शायद. एनीवे दिख रहा होगा आपको आप थोड़ा सा मेरे वॉइस पे जाएं. यहां पे एक आ जा रहा है कि b इक्वल्स टू माइनस माइनस y एंड प्लस प्लस x. तो सबसे पहले हम माइनस माइनस वाई इवेल्युएट करते हैं. वाई की वैल्यू हो गई है प्लस वन. माइनस माइनस वाई से उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. एंड के लेफ्ट में है जीरो इसका मतलब कि कंडीशन फॉल्स. चूंकि लेफ्ट में कंडीशन फॉल्स है इसलिए राइट में जाने की जरूरत नहीं है. है ना अगर लेफ्ट में कंडीशन जीरो है तो राइट में जाने की जरूरत नहीं. इसका मतलब प्लस प्लस एक्स नहीं होगा. तो बी में क्या असाइन होगा. B में माइनस माइनस वाई की जो भी वैल्यू थी क्या वैल्यू थी जीरो. तो इसका मतलब है B में असाइन हो गया जीरो. X में कोई चेंज नहीं हुआ. Y भी जीरो ही हो गया है. A की वैल्यू है वन B की वैल्यू है जीरो. तो प्रिंटिंग क्या हुई 5 0 1 0. ठीक है
कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ओके, अभी थोड़ा कम लोगों को समझ में आया ऐसा लगता है. किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लो जल्द अभी यहीं पे इसी स्टेज पे. ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. कितने लोगों ने अपने से ये निकाला था, जरा अनम्यूट करके बताइए. यस सर. ठीक है, वेरी गुड. यस सर. समझते थे आपको एंड का कॉन्सेप्ट, और का कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. गुड, चलो ये क्वेश्चन करो. सेम कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इनको, इस वाले क्वेश्चन को करो. सर सी. ओके, कितने लोग कर रहे हैं सी? फोर्टीन हैंड्स अप टू नाउ. ठीक है, ऑप्शन सी ही है, बट लेकिन क्या आपने इवैल्यूएशन किया इसका? आई की वैल्यू -1, जे की 2, के की 0 और एम. सेकंड स्टेटमेंट में एम इक्वल्स टू प्लस प्लस आई से -1 जीरो हो गया. चूंकि ये जीरो हो गया तो दूसरा वाला एंड चेक कर, मतलब एंड के बाद जो कंडीशन उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. तो जीरो और मैंने पहले वाले एंड के कारण पहले वाले एंड का इवैल्यूएशन जीरो हो गया, तो दूसरे वाले एंड का भी इवैल्यूएशन जीरो ही हो जाना है. ठीक है, अगर पहले वाले एंड का इवैल्यूएशन जीरो है तो दूसरे का भी इवैल्यूएशन जीरो हो जाना है. इसका मतलब है कि केवल प्लस प्लस आई हुआ, प्लस प्लस जे भी नहीं हुआ और प्लस प्लस के भी नहीं हुआ. तो जो आई की वैल्यू वो -1 से जीरो हो गई, जे में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, के में कोई चेंज नहीं हुआ और एम में आई की वैल्यू असाइन हो गई, एम में जीरो असाइन हो गया. तो 0, 2, 0 and 0. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, बिट वाइज ऑपरेटर का. क्या आपको बिट वाइज ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द बिट वाइज ऑपरेटर्स? तीन, पांच, सात, आठ, नौ. अच्छा पता है तो फिर बताओ इसको, इस क्वेश्चन का आंसर. Sir, सी सी 2, 4 गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू. ओके, चलिए इसके बारे में बहुत कुछ तो जो बताना है बिटवाइज के लिए मैं कल ही बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखो प्रिंट एफ स्टेटमेंट. प्रिंट एफ में परसेंटाइल डी, चार परसेंटाइल डी है. ठीक है, और प्रिंटिंग करने के लिए क्या है, 4 right shift 1, 8 right shift 1, दो ही चीजें हैं. तो निश्चित रूप से इसके आगे जो वैल्यू, मतलब ये चार वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन दो ही वैल्यूज गिवन है इसमें, तो बाकी की जो दो वैल्यूज होंगी वो गार्बेज होंगी. आप केवल इसी लॉजिक से ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, दो चार वैल्यू प्रिंट करानी है, हमने अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया था ना कि चार वैल्यू प्रिंट करानी है लेकिन या तो गिवन नहीं है वो वेरिएबल या डाटा आइटम, तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती है. तो चार में से दो गिवन है प्रिंट करने के लिए, दो गिवन ही नहीं है.
तो दो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी. तो इस लॉजिक से आप सी बता सकते हैं, है ना. लेकिन यहाँ पे राइट शिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट कुछ होगा, लेफ्ट शिफ्ट का भी, वो चीजें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा.